नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान के तौर पर केपी सिंह जी मौजूद हैं। केपी सिंह जी राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश महामंत्री हैं और जाट समाज के एक बड़े नेता हैं। जाट समाज का एक बड़ा इवेंट 5 मार्च को विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में होने जा रहा है, जो कि करीब 100 साल बाद हो रहा है। इसे जाट महाकुंभ का नाम दिया जा रहा है। इस आयोजन की खास बात यह है कि यह सामाजिक जागरण और चिंतन का आयोजन माना जा रहा है। इसके अपने एक कुछ राजनीतिक महत्व भी हैं, लेकिन चूंकि आप एक शिक्षक हैं तो इस नाते हम जानेंगे कि एक जाति को, एक समाज को इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता क्यों है। देखो, मूलतः मैं शिक्षक हूँ जी, और शिक्षक कोई व्यवसाय नहीं है, एक शिक्षक सेवा है जी। और मैं या मेरे जैसे जो भी शिक्षित लोग हैं वो मानते हैं शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, इसको जो पिएगा जी वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था, अंबेडकर साहब ने, और ये शब्द बाबा साहब अंबेडकर साहब के थे जी। और शिक्षा सारी समस्याओं की कुंजी है, ये नेल्सन मंडेला साहब ने कहा थे जी। और मुझे बड़ा, मैं अहोभाग्य समझता हूँ कि मैं गांव गरीब खेत कल्याण से निकल करके ऐसे व्यवसाय में हूँ जिसमें जाति धर्म क्षेत्र का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है हम समग्र शिक्षा पर यदि ध्यान देंगे तो हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को और हमारी संपूर्ण धरती को प्रगतिशील बनाने के लिए हम बहुत बड़ी सेवा कर पाएंगे जी। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ केपी सिंह जी, कि आप जो ये कह रहे हैं कि इस इवेंट में शैक्षिक उत्थान और इन चीज़ों पे चर्चा होगी, आप राजस्थान के उस इलाके से आते हैं भरतपुर जहाँ पर जाटों को आरक्षण नहीं है, वो सामान्य वर्ग में हैं, बाकी राजस्थान में ओबीसी हैं, तो इस आरक्षण पर भी क्या चर्चा रहेगी? राठौर साहब, आप जो मूलतः पूछ रहे हैं, संविधान में जाति व्यवस्था नहीं है, संविधान में जो दिया है वर्ग दिया है, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग जी। जबकि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है जी। ये सदियों से जो वंचित वर्ग थे, शोषित वर्ग थे, उन वर्गों को शिक्षा के माध्यम से उठाने के लिए किया गया है। और ऐसा ये जो किए गए थे, कुछ ऐसे कारण रहे होंगे कि भरतपुर कोई डायनेस्टी स्टेट था जी। लेकिन आज उनको इसका आभास हो रहा है कि जो वर्गीय आरक्षण है इससे आप क्या कर सकते हैं जी। और इस पर जो चल रहा है, क्योंकि क्या होता है, आदमी के हाथ में जब तक चीज है जी, तो उसकी इम्पोर्टेंस को पता नहीं होती है जी। जब हाथ से फिसलती है तो पता होता है कि मेरे से क्या छूट गया जी, और वक्त आने पर ये मिलेगा। तो ये मांग केवल राज्य सरकार से है या केंद्र से भी पूरे जाट समाज की रहेगी कि ओबीसी को जो केंद्र का आरक्षण है उसमें भी जाट समाज को? देखो, ऐसा है कि हम और आप भी गांव से, खेत से, खलिहान से निकले हुए लोग हैं जी। क्योंकि मूलतः हम गांव से आते थे और हमारे गांव की पृष्ठभूमि होती थी, और हम इस देश के, हम इस राष्ट्र के वो लोग हैं जो सीमा हमसे सुरक्षित हैं और आंतरिक भी हमसे सुरक्षित है। मतलब हम धरती माँ के पेट से अन्न उपजा के लोगों का पेट भरते हैं, और देश की सीमाओं पर हमारा जो युवा है वो देश की सीमा की रक्षा करता है। लेकिन ये विचारधारा की बड़ी विडंबना है कि उन्होंने एक ऐसा अग्निकुंड तैयार करके अग्निवीर नाम की जो चीज दी जी। मेरे या मेरे जैसे जो शिक्षाविद हैं या आप जैसे जागरूक लोग हैं वो इस पर सोच रहे हैं कि मेरा जो युवा है, जो बलिष्ठ शरीर है, जो बलिष्ठ डीएनए है, वो 4 साल के बाद करेगा क्या। इसी तरीके की चीज़ों का चिंतन मंथन करने के लिए और शिक्षा के माध्यम से प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए जी, इस देश और धरती का सबसे बड़ा जो वर्ग है वो किसान वर्ग है, और किसान वर्ग की सबसे बड़ी जाति जो है वो जो 5 मार्च 2023 को जो विद्याधर नगर में महाकुंभ हो रहा है, जिसको जाट महाकुंभ कहा जा रहा है, ये एक सबसे बड़ी जाति है।
अब घर के बड़े भाई को यदि नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा तो वो करेगा जी, लेकिन इसके जो मुद्दे हैं वो एक खास जाति विशेष जाट के लिए नहीं है जी। इसमें मान लो पानी चाहिए तो वो हम सभी के लिए चाहिए जी, बिल्कुल। RTE में शिक्षा, जिससे गांव गरीब दलित वंचित शोषित पीड़ित किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो वो बच्चा शिक्षा पा करके अपने जीवन का उत्तरोत्तर विकास कर सके जी। और उसके लिए राज्य और केंद्र की सेवा ही जरूरी नहीं है, शिक्षित होने के बाद वो अपने किसी भी काम को बड़े व्यवस्थित तरीके से कर सकता है जी। और जो जातीय आधारित जनगणना है इससे राष्ट्र निर्माण के लिए सबको समसामयिक भूमिका जो मिलेगी इससे राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही योगदान होगा जी। और उससे सभी को जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा तो इससे जो सामाजिक अराजकता फैल रही है वो कम होगी, राष्ट्र के निर्माण में ये बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि किसी को आज डिजिटल युग में आप रोक नहीं सकते जी। और अब ये जो 5 मार्च को जयपुर में जो जाट महाकुंभ हो रहा है ये समाज के चिंतन के लिए मंथन के लिए और जो वरिष्ठ जन का अनुभव है जी। और युवा का जो जोश है इन दोनों के समागम से ये सबसे बड़ा जो वर्ग की सबसे बड़ी जो जाति जाट है वो इस पर मंथन करने जा रही है। और इसमें किसी के लिए असुरक्षित होने के लिए और किसी के लिए भयभीत होने के लिए ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है। और इस लोकतंत्र में लोगों के वो जो गैदरिंग है, लोगों की जो इकट्ठे होते हैं वो मायने रखते हैं, वहाँ से जो चीज़ निकल के आती है। तो हमारे जो समाज के जो जागरूक लोग हैं और समाज के लिए समर्पित लोग हैं, जैसे कि हमारे राजा राम मिल साहब और विजय पुनिया भाई साहब और अपने सेवानिवृत्त DGP के राम साहब, क्योंकि मैं यहाँ पर 1982 में यह शिक्षा लेने आया था जी। और तब से ही मैं जयपुर का होकर के रह गया जी। मैंने यहाँ सारे लोगों के बीच में देखा है, लेकिन मुझे मेरा परिवार भी पालना था, मुझे इस संघर्ष में भी रहना था, तो मैंने शिक्षा के माध्यम से शिक्षा जैसा पैसा मिल गया जी। तो अब ये जो हो रहा है ये सीधा सा इसमें जातीय लाभ ना होकर के समग्र समाज के लिए सोचा जा रहा है, चिंतन शिविर टाइप चिंतन मंथन हो रहा है, क्योंकि आपको पानी मिलेगा सभी को मिलेगा, धूप मिलेगी सभी को मिलेगी। आरक्षण की बात तो जाट समाज अब के लिए, आरक्षण की जाट समाज के लिए नहीं, जाट समाज में जो OBC की जातियां हैं, MLA ने कहा है OBC की जातियों में भी वर्गीकरण होना चाहिए, एक जाति ले रही है उसका फायदा, मतलब एक देखो क्या होता है कि जब आप का बड़ा समूह है जी, तो बड़े जब बड़े समूह में जब दिखाई देगा तो कुछ संख्या ज्यादा दिखाई देगी जी, और छोटे समूह में कम दिखाई देगी। तो जिन लोगों का संख्या समूह कम है लेकिन उनका प्रतिनिधित्व अधिक है, इसी के लिए तो जातीय जनगणना पर पूरा ज्वार देश में उठा हुआ है जी। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व लेकर के हम राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका निभा सकते हैं, और राष्ट्र को योजना बनाने में भी मदद मिलेगी, योगदान। लोहिया जी जो कि बड़े समाजवादी नेता थे उन्होंने कहा भी था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इस तरह से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस तरह से नारे चले थे। जब आपने राम मनोहर लोहिया जी को लाए हैं तो राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था संसो पाने बांधी गांठ जी और सौ में हिस्सा अपना साठ जी, क्योंकि यदि जातीय व्यवस्था मतलब क्या है कि जाति और नस्ल जी, जैसे अपने एशिया महाद्वीप में जाति है और पश्चिमी में नस्ल है, जाति और नस्ल से आप अलग नहीं जा सकते जी। ये हमारी सच्चाई है, लेकिन जो जातीय प्रतिनिधित्व है जब से किसान ने मजदूर ने शिक्षक ने या हमारे जितने भी मजदूर किसान हैं उन्होंने अपना जब काम किया है
किसान ने अन्न भंडार भर दिए जी, यहाँ के मजदूर ने असंख्य मकान बना दिए, रोडें बना दी, शिक्षकों ने हमारा शिक्षा की प्रचार प्रसार और शिक्षा का परसेंटेज बढ़ा दिया, लेकिन क्या कारण है कि जो हमको नेतृत्व दे रहे हैं वो हमको विकास के सही दिशा पर नहीं डाल पा रहे हैं। इसके लिए जाट को ही नहीं, सारे समाजों के लोगों को बैठ करके चिंतन मंथन करना पड़ेगा। तो केपी सिंह जी से जाट समाज का जो बड़ा महाकुंभ हो रहा है इसके ऊपर शिक्षा और उसकी जो फिलॉसफी है उसको लेके बात हुई, हम और भी विषयों पे बात करेंगे लेकिन फिलहाल हम विदा लेंगे और साथ ही आपसे अपील करेंगे कि इस पूरे प्रोग्राम को हम 5 मार्च को थिंक 360 पर लाइव करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।